नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, हत्या और रंगदारी की योजना बना रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा की कवायद, शुरू हुआ बैठकों का सिलसिला। और गरम नाला क्षेत्र में ट्रक पलटने से हुआ सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। अपराधों पर रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जमशेदपुर पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के बसेरा अपार्टमेंट में छापेमारी कर हत्या और रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे दो अपराध कर्मी सम्राट मंडल और रवि प्रकाश राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लोडेड देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने अपने बयान पर बताया है कि वे लोग आरा से आग्नेय यात्र लेकर जमशेदपुर आए हुए थे और यहां पर अपराध कर्मी कार्तिक मुंडा की हत्या करने और बिल्डरों से रंगदारी वसूलने की योजना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराध कर्मी शहर में इकट्ठा हुए हैं और वो किसी एक बड़े आपराधिक गिरोह के लिए शूटर का काम करने यहाँ पे आए हुए हैं। उनके पास में हथियार भी पहुँच चुके हैं और कोई बड़ी घटना को वो लोग अंजाम देंगे। इसी सूचना पे थाना प्रभारी मानगो, थाना प्रभारी गोलमुरी और थाना प्रभारी उलीडी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसको डीएसपी पटमदा मॉनिटर कर रहे थे। उस टीम के द्वारा जो है मानगो थाना क्षेत्र से सम्राट मंडल और रवि प्रकाश राय, इन दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो है 7.65 का ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड्स बरामद किए गए हैं। इस बेसिकली जब इंट्रोगेशन हुआ है तो अपराध कर्मियों द्वारा बताया गया है कि ये सभी अपराध कर्मी जो है ये दोनों कन्हैया सिंह, जो कि अपने आप में कुख्यात अपराध कर्मी है, उसके कहने पर और उसके द्वारा दिए गए हथियार को लेकर जमशेदपुर में आए थे और इनके द्वारा जो है अपराध कर्मी आप कार्तिक मुंडा, जो कि अपोजिट गिरोह का सदस्य है, उसको मारने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के जो बिल्डर्स है उनसे रंगदारी वसूलने का और उन पर फायरिंग करने का इनका प्लान था ताकि एक दहशत का माहौल बनाया जा सके और रंगदारी वसूल की जा सके। और उधर आने वाले समय में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। खासकर जमशेदपुर समेत कुल्हान प्रमंडल के कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय दिलाने को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में जमशेदपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक साक्षी स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में हाशिए पर चल रहे और संगठन से दूर हो रहे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर विधानसभा की तैयारी में लग जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद प्रदेश सचिव भरत सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी और आला कमान का जो निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे और हमें उम्मीद है कि पार्टी योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी। पहले कुछ ही समय पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ संगठन के ऊपर और ये शहर जो है मजदूरों का शहर है, बहुत सारी कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है, उसको मद्देनज़र हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह से उन मजदूरों को शोषण से बचाएं, पार्टी संगठन हमारा किस तरह से आगे बढ़े, संगठन हमारा ठीक ठाक से मजबूत अगर होगा तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनको मजबूती मिलेगी और हमारा पार्टी संगठन अगर ठीक ठाक रहता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनकी विजयी होगी। 3 नंबर जो लोग हैं कहीं ना कहीं भटके हुए लोग हैं, उनको रास्ते पर लाना है, जन समस्याओं से जुड़कर आम आदमी की आवाज़ बनकर मोदी सरकार जो अभी चल रही है, जन विरोधी जो उनकी जितनी भी नीतियां हैं उनको उजागर करके लोगों के सामने लाकर हम लोग प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी के संगठन को धारदार बनाएं। और नहीं देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी जो हम लोग को निर्देश दिया करती है हम लोग उस पर ही काम करते हैं। पार्टी का ये मामला है, पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी और चुनाव लड़ेगा हम लोग, आज ऐसी बात तो नहीं है। मैं 15 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। पार्टी चाहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, पार्टी चाहेगी अध्यक्ष बनाए अध्यक्ष बनूंगा, पार्टी चाहेगी कि कार्यकर्ता बनकर रहे पार्टी कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। और उधर साक्षी थाना अंतर्गत गरम नाला टिस्को कैंपस के समीप पेंट से लदा रांची स्थित सोनवा ट्रेवल्स 407 वाहन पलट गया। CR की सूचना पर साक्षी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को हटाया, जिसमें चालक फरार बताया जा रहा है। साक्षी पुलिस के अनुसार रविवार की शाम बारिश के दौरान चालक की लापरवाही के कारण पेंट से लदा यह ट्रक गरम नाला स्थित एक बिजली के पोल से टकराकर पलट गया, जिसमें लदा सभी पेंट का डब्बा क्षतिग्रस्त हो गया, परंतु इसमें किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा जाम को खाली कराया। गाड़ी पलटी कर गई है गरम नाला के पास, सूचना के आधार पर यहाँ आए तो हम देखे गाड़ी पलटी हुआ है, सड़क खराब हुआ है और तो मैं CCR को खबर दिया, CCR वाला गाड़ी यहाँ दिखा रहा है। अरे इसमें क्या कुछ है, ये घायल भी हुआ नहीं? कोई घायल नहीं हो, ड्राइवर जो गाड़ी में चौके भाग गया। सिगरेट ना बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए, कैंट ले जा रहे थे गाड़ी में, वो सब दबा हुआ गिर गया और फट गया है। और उधर झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिलहाल नेतृत्व के मुद्दे पर अपने नेता का खुलासा करने में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नेता कौन होगा यह संसदीय बोर्ड ही तय करेगा और आलाकमान ये भी तय करेंगे कि नेता आदिवासी होगा या गैर आदिवासी, यह कहना है पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे का। जमशेदपुर दौरे पर यदुनाथ ने कहा है कि भाजपा जात पात और क्षेत्रीयता की राजनीति नहीं करती। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रेल टिकट और खाद्य वस्तुओं का कीमत बढ़ाने संबंधी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद सरकार अच्छे परिणाम देगी और रहा सवाल विधानसभा चुनाव का तो पार्टी स्पष्ट बहुमत लाएगी। देखिए सभी भूमि गोपाल की, ऐसे तो मैं व्यक्तिगत कारणों से यहाँ आया था, ठीक है ना, पारिवारिक कारणों से, लेकिन मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, है ना, तो लोकतंत्र में बिना आपसे मिले मेरी यात्रा तो पूरी नहीं होगी। तो पिछली बार भी मैं आया था तो उस समय तो उचित नहीं था मिलना, इस कारण से मैं आया, व्यक्तिगत कारणों से मैं आया था। मोदी सरकार क्या करती है? देखिए मोदी सरकार जो एक महीना में जो कर दिखाया है, जो दिखाई दे रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि पूत के पांव पलने में ही पता चल जाते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने 100 दिन एक महीने के अंदर में जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को टास्क दिया, अभी 2 दिन से वर्कशॉप हमारा सूरजकुंड में चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने सांसदों को टास्क दिया है, आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम आने वाला है। देश में लहर था, अभी हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। और उधर JHRC के सदस्यों ने बेटियों के प्रति कुधारणा को बदलने के लिए MGM अस्पताल में 2 माह से चलाए जा रहे बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत पत्रकारों को बताया है कि अब इस कार्यक्रम के बाद गांव देहातों में बिटिया आवरे नामक मुहिम की शुरुआत करेंगे। JHRC के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने बताया कि हमारे भारतीय समाज में बेटियां के प्रति लोगों की बहुत खराब धारणा है, इसलिए वे लोग इस कुधारणा को बदलने के लिए पिछले 2 माह से MGM अस्पताल में बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे लोग थैलेसीमिया के मरीजों पर ज्यादा ध्यान दिए, पर इसके अलावा जिस बच्ची को दवा व इलाज की जरूरत होती है उसे वे लोग दवा व इलाज के लिए आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे लोग अब इस कार्यक्रम के बाद गांव व देहातों में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बिटिया आवरे नामक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही वे लोग अस्पताल प्रशासन से ये भी मांग करेंगे कि जो 80 लाख का दवा का फंड अस्पताल को मिला है उसके कुछ थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी दवा मंगवाई जाएगी। 2 महीने के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो रेगुलर शुरू किया है, 1 साल पहले शुरू किया था और 2 महीने से हम लोग रेगुलर चला रहे हैं MGM हॉस्पिटल में बेटी बचाओ अभियान। इस अभियान में जो अगर अहम सफलता माना जाए तो हम लोगों ने एक पूनम नाम की 2 वर्षीय बच्ची जो कुलुप टांग आदितपुर में रहती है उसको हम लोगों ने यहाँ कोमा में वो पड़ी हुई थी, हम लोगों ने उसको यहाँ से मर्सी हॉस्पिटल भर्ती करवाया और करीब 30,000 रुपये खर्च हुए JHRC के और हम लोगों ने उनको एक नई जिंदगी देने में सफलता पाई है। और अभी हम लोग बिटिया आयुर्वेद प्रोग्राम शुरू करेंगे जो हमारे इस MGM से बाहर गांव और देहात में भ्रूण हत्या को रोकने में और बच्चियों के प्रति जो समाज में एक नकारात्मक दृष्टिकोण है
उसको सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने में शायद वो सार्थक हो सके। हम लोग बिटिया आयोग प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम को अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में और बच्चियों को मान सम्मान मिले, महिलाओं को मान सम्मान मिले और लड़कियों का जो रेशियो है जो घट रहा है भ्रूण हत्या के माध्यम से उसकी रोकथाम हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं JHRC की बेटी बचाओ अभियान से प्रेरित होकर मुंबई से अग्रवाल दंपति इनके इस सामाजिक कार्य में सहभागी बनने आए और इनके साथ अस्पताल का दौरा किया, साथ ही मरीजों के बीच फल व इलाज हेतु पैसे का भी वितरण किया। कन्याओं के बचाव के लिए कार्यक्रम चल रहा है और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। भ्रूण हत्या यानी आप किसी बच्चे को वहीं ख़त्म कर देते हो जो आगे जाके कुछ कर सकती है। हमारे देश में तो महिलाओं ने इतना नाम कमाया है और आज ये स्थिति देखकर बहुत अवस्था सोचनी हो जाती है, तो हम इससे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, बच्चों का सही इलाज मिले, बच्चों को स्वस्थता मिले। यही कन्याएं आगे चलकर माँ बनेंगी, किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की बहन बनेंगी, ये दो परिवार को जोड़ती हैं, तो हमें इससे बचाव के कार्यक्रम में। और उधर झारखंड विकास युवा मोर्चा ने वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार के क्रियाकलापों और नीतियों की जमकर आलोचना की। जमशेदपुर पहुंचे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में यहां तक कहा कि पिछले 13 वर्षों के काल खंड में मौजूदा समय में राज्य की हालत सबसे अधिक नाजुक हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राष्ट्रीय पार्टी भाजपा भी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, वजह भाजपा खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई का ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी ने सरकार तो बना ली लेकिन महंगाई पर काबू पाने की बात कहकर महीने भर से ही महंगाई को बढ़ा देना जनता के साथ धोखा देना है। झारखंड विकास मोर्चा लगातार जन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से सदन तक हमेशा आंदोलन रही है, चाहे वो भाजपा झामुमो गठबंधन या झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो। इनके जन विरोधी निर्णयों को लेकर के हम पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। आज राज्य के हालात का इन 13 वर्षों में सबसे नाजुक स्थिति में अगर सबसे कहा जाए तो आज वो दिन दिख रहा है। आज सरकार एक दिन भी चल रही है तो उद्देश्य मात्र एक है, पैसा कमाना। जनता की कमाई की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता की जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में कहीं दूर तक दिखता नहीं है। आज कैबिनेट बैठती है तो मात्र सिर्फ एक कारण से कि किसी बड़े घोटाले को हम किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उतारें ताकि ये सरकार जनता पे फैसला को थोपना चाहती है और कैबिनेट के निर्णय को दरकिनार करते हुए बड़ी बड़ी घोटालों का ये आज उजागर रोज आए दिन आप अखबार में मीडिया में देखते होंगे। और कहें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आज आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी झारखंड विकास मोर्चा 14 लोकसभा पे चुनाव लड़ी थी और आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव होगा उस पर भी हम 81 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। और उधर MGM अस्पताल में बेसुध अवस्था में पड़ी महिला की पहचान ज्योति नाम से हुई है और उसका पति संतोष बाग जो कि टाटानगर स्टेशन में पार्सल में मजदूरी करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि वह घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व टाटानगर GRP पुलिस ने बेहोशी हालत में एक नंबर प्लेटफार्म से एक महिला को लाकर इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया था। एक सप्ताह बाद उसे होश आया तो वह धीरे शब्दों में बताई कि वह छायानगर की रहने वाली है। उसके बाद वह आने की सूचना पाकर GRP पुलिस अस्पताल आई और किसी तरह पीड़िता की ननद छायानगर निवासी किरण पहचानने से इनकार कर रही है। अंततः वह काफी दबाव के बाद बताई है कि अस्पताल में इलाजरत महिला उनकी भाभी संतोष बाग की पत्नी है और उसे यह बात का पता नहीं था कि उसका भाई शादी कर चुका है क्योंकि वह बचपन से ही घर में बहुत कम रहता था, वह बाहर किए ही रहा करता था। किसी को पता नहीं था कि लेकिन संतोष के दोस्त भतीजा से पता चला है कि अस्पताल में इलाजरत ज्योति को मिर्गी बीमारी है। घटना की जानकारी पाकर संतोष फरार है और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। बहन है? हाँ जी। तो आप कैसे कल से बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते इसको? उनको नहीं जानते, छोटा ही से ना पता, हम लोग का घर द्वार नहीं आता है।
और वो कब शादी किया, कब नहीं, कब रखा कब नहीं, वो भी हम लोग नहीं जानते। जब पुलिस रेलवे स्टेशन से लेके आया बोलता है, हम लोग को लेके आया बोला, और कल जब मेरा घर में मैंने पूछने लगा, पता लगाते किया, तब जे हम लोग को मालूम। नहीं तो यहाँ तो इसको छाया नगर में भी लोग देखा था, कुछ लोग बताया था कि छाया नगर में भी घुमा फिरा होगा तो हम नहीं बोल सकते। छाया नगर में भी रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? छाया नगर में रहते हैं। तो आपके घर आती जाती थी ना? नहीं, मेरा घर में नहीं आती। तो उसको तो रात में ड्यूटी कर रहा है। ठीक, उसको मालूम नहीं जो उसका औरत यहाँ भर्ती है? अरे वही तो, ये उसका भाई बोला, बहन बोला, भाई बोला, सब ये लोग बोला। जमशेदपुर के श्री ब्राह्मण संघ द्वारा मारवाड़ी ब्राह्मण समाज के ब्रह्मचारी युवकों का सामूहिक उपनयन धारण कराया गया। युवाओं में अपने संस्कार के प्रति जागरूक रहने की दिशा में संघ द्वारा यह पहल की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन कर युवाओं ने दीक्षा भी लिया। आयोजन में बंगाल के अलावा कुल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं ने भाग लिया। जनो प्रोग्राम थी और ब्राह्मण समाज के द्वारा हम सबको एक साथ जनो लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बढ़िया है ये प्रयास। से आने वाले समय में भी होना चाहिए, जिससे हमारे जैसे ब्राह्मण आदमी लोग हैं उनको जिनों की उपस्थिति प्राप्त हो सके। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, हत्या और रंगदारी की योजना बना रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा की कवायद, शुरू हुआ बैठकों का सिलसिला। और गरमनाला क्षेत्र में ट्रक पलटने से हुआ सड़क जाम। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokwani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से नमस्कार।